अस्सलाम वालेकुम, आई एम असगर फ्रॉम KBS एंटरप्राइजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जाली नोट बहुत आ रहे हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको यू कैश UC300 मुतारिफ करवा रहे हैं। UC300, इसके अंदर सर सबसे पहले तो हमने ये जो पैनल है वो टच रखा है। देखिए, आप टच करते हैं पैनल स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर बैच का ऑप्शन है, ऐड का ऑप्शन है, फेक नोट का ऑप्शन है। इसके अंदर करेंसी जो है 10 ममालिक की आप काउंट कर सकते हैं, जिसका फेक नोट भी वो बताएंगे। इसके अलावा इसके जो है अंदर सीरियल नंबर और का भी ऑप्शन है। जैसा कि हमने मिक्स नोट डाले, अब इसके अंदर 18 नोट थे जिसमें से 21,120 रुपये इन्होंने काउंट किए। हम डिटेल में गए, डिटेल में इन्होंने 5,000 के जो है 3 नोट, 1,000 के 5 नोट, 500 का 1 नोट, 100 के 4 नोट, 50 के 4 नोट और 20 का 1 नोट काउंट किया। अब हम चाहते हैं कि इसका सीरियल नंबर भी आ जाए, फिर हम प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सीरियल नंबर सब नोटों के आपके पास आ गए। फर्दर आप चाहें तो इसका प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट का बटन दबाकर आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने इस पैकेट के अंदर एक फेक नोट शामिल कर दिया है, अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि फेक नोट आया तो ये मशीन स्टॉप हो गई। फेक नोट है E54 का एरर दिया। ये 100 का पैकेट था हमारे पास, जो आप इसे शो कर दिया 99,000 है, तो एक फेक नोट निकलने के बाद ये 100 हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम आपको मिक्स नोट काउंटिंग के हवाले से बता रहे थे, अब हम आ जाते हैं सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर ये है कि आपने पैकेट डाला, इसके अंदर आप सॉर्टिंग चाहते हैं। जैसा ये 5,000 का एक और आ गया, इसके अंदर 500 आ गया, 5,000 आ गया। ये सॉर्टिंग ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब जैसा कि आप चाहें कि मैं पैकेट को बैच बनाना चाहता हूँ, 100 के 50 के बैच बनाना चाहता हूँ, आप बैच के ऑप्शन में जाते हैं और उसके अंदर आप कमांड दे देते हैं 50 के। देखें 50 पे बैच बन गया, ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर ऐड ऑप्शन करूँ कि जितने पैकेट में काउंट कर रहा हूँ वो मुझे प्लस भी होते चले जाएं, तो आप इसके अंदर ऐड ऑप्शन में चले आते हैं और उसको ऑन कर देते हैं। अब हम देखेंगे, हम ऐड करते जाएंगे।